इट्स ऑलमोस्ट 1:15 PM एंड मुझे अभी निकलना है दिल्ली के लिए। बस अब पैकिंग बाकी है, पैकिंग करते हैं। बाय। चलो मम्मी, मैं जा रहा हूँ तो मैं कर लूँगा। पानी ले लिया है मैंने। काफ़ी कुछ लाइंड अप है तो उसी के लिए जा रहा हूँ मैं। ये समझ लो मन तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, बट क्या करूँ, जाना पड़ रहा है। और भैया कैसे हो? क्या हाल है भैया? तो सोचा तो मैंने था कि नहीं जाऊँगा, सुबह चला जाऊँगा, लेकिन फिर वही है, सुबह भी तो जाना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अभी जा सकते हैं तो इसलिए अभी जा रहे हैं। अभी तो यार बस ये अभी लेने बोल रहे 10 मिनट पहले निकली है तो मुश्किल से मिलेगी एकदम से। तो मैं सोच रहा हूँ पैसे ही जंगली जानवर बन रखा हूँ तो दाढ़ी बनवा लेता हूँ। यहीं पे पास में है सैलून, 2 कदम पे ही है, तो टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि मस्त दाढ़ी बनवा के तैयार हो चुके हैं हम। तो जो जानवर से इंसान बनने की लेवल थी वो हम पार कर चुके हैं। तो अब लगता है आ गई है दिल्ली की बस भी, तो मतलब अपने 2 काम हो गए एक साथ, काफ़ी अच्छा हुआ। ग्रेट सक्सेस लाइक गौरव तनेजा, विनीत भाई। इतनी ठंड है कि मजे आ रहे हैं। बर्फ़ पिघल रही है मुँह से। बस जैसे ही बस चलेगी वैसे ही राहत मिलेगी, थोड़ी झेलते हैं थोड़ा, यही ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। नो मोर ऑप्शंस। हमारी फ्लाइट में एसी नहीं है ना। भीषण भीड़, फुल पैक है बस, खतरनाक। बाहर भी लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। सो हाफ ऑफ आवर जर्नी इज कंप्लीट। ढाबे पे रुकती है गाड़ी बीच में। अरे फाइनली दिल्ली तो पहुंच गए। संघर्ष कुछ 7-6 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब बस मेट्रो पकड़ेंगे और सीधे महिपालपुर। आज बस में धूल, आंधी, धूप, पानी, प्यास सब कुछ झेला है, काफी संघर्ष। आज यार बहुत वेट किया है, मतलब बस वाले ने पहुंचा दिया था टाइम से, बल्कि टाइम से पहले, बट मेट्रो ने बहुत लेट कर दिया। मतलब मेरे 10 साल के करियर में, मेट्रो के छोटे मोटे करियर में, मैंने इतनी लेट मेट्रो कभी नहीं देखी। आधा घंटा लेट मेट्रो, दिमाग ख़राब हो गया, हैक्टिक हो गया यार बहुत दिन। अब घर पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ट्रैवल करने में यही दिक्कत है, ट्रैवल करने में थक जाते हैं। अगर नहीं थकते ना तो मज़ा आता। रोड क्रॉस कर लिया बड़ी मुश्किल से भाई। ऑटो वालों के तो खतरनाक ही भाव है। ऑटो वाले से पूछा मैंने कि भाई रंगपुरी चलोगे, मतलब मेट्रो स्टेशन से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, एंड बोलते 150 रुपये। मतलब तो बस यार पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है 2 किलोमीटर पे। मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। दोपहर में काफ़ी गर्मी थी और शरीर में काफ़ी पसीना, धूल और गुस्सा भरा हुआ है। ये ऐसा ही मौसम हो रखा है। ओहो बिजली कड़क रही भाई, ओफो। जा गए। सो फाइनली आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट आ गया, बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। सो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का दिन काफ़ी एक्टिव रहा। सुबह 7 बजे से काम किया और फिर पैकिंग की, फिर बस में चढ़े, धूल खाई, पसीना आया, बारिश आई, बहुत कुछ आया। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।